स्टार्ट हेलो ओके तो सो फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे ही हमारा सेकंड सेशन है। इससे पहले की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें हमने फंक्शनल प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो डिस्कस किए थे। उसमें हमने कोई किसी किस्म की एप्लीकेशन डिटेल में नहीं देखी थी। तो अगर हम जावास्क्रिप्ट में एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं या फंक्शनल प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ब्रेमडा नाम की एक लाइब्रेरी है वो यूज़ कर सकते हैं। अब से सवाल ये होता है पैदा होता है कि हम क्यों ब्रेमडा या कोई और सी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं उसकी बजाय जावास्क्रिप्ट। हमें मालूम है कि जावास्क्रिप्ट जो है बेसिकली एक हाइब्रिड लैंग्वेज है। उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में भी काम कर सकते हैं और फंक्शनल पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जावास्क्रिप्ट ना प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है और ना ही प्योर फंक्शनल है। तो अगर हम उसमें प्योर फंक्शनल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट इसमें मौजूद हों तो उसके लिए भी हमें ज़रूरी है कि हम कोई उसमें ऐड ऑन यूज़ करें, कोई लाइब्रेरी यूज़ करें जो कि वो पार्ट जो जावास्क्रिप्ट में मिसिंग है वो हमें प्रोवाइड कर दे। तो कई लाइब्रेरीज हैं मार्केट में जो इस वक्त सबसे नंबर वन है यूजेज के लिहाज से वो रैमडा है। तो इसीलिए हमने रैमडा का इंतखाब किया है कि ताकि रैमडा के जरिए आप लोग जावास्क्रिप्ट में फंक्शनल प्रोग्रामिंग करना सीख सकें। अच्छा, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत सिंपल होती है वो और उसमें जो बेसिक जो चीज़ है वो है फंक्शंस। तो रैमडा क्योंकि एक फंक्शनल टूल किट है तो उसने भी सिर्फ एक ही लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट प्रोवाइड किया है और वो हैं फंक्शंस। बेशुमार टाइप के फंक्शंस के अंदर मौजूद है और उन फंक्शन के जरिए हम सारे काम कर रहे होते हैं। तो बेशुमार जो टाइप्स हैं उसको हमने डिवाइड कर दिया है टाइप्स के लिहाज से फंक्शंस को ताकि उनको समझने में और यूज़ करने में आसानी हो। तो जो टाइप्स जो आपके सामने आ रही हैं मैथ लॉजिक रिलेशन ऑब्जेक्ट लिस्ट फंक्शन ये मैंने सॉर्ट किया है इन द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। जो सबसे सिंपल टाइप के फंक्शन हैं वो सबसे ऊपर हैं और जो सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप के फंक्शन हैं वो सबसे नीचे हैं। तो हम वन बाय वन इनको देखेंगे तो इस तरह से हम ग्रेजुअली जो है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के मुख्तलिफ एस्पेक्ट को जो है वो डिस्कवर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये प्रेजेंटेशन इस चीज़ को अज्यूम कर रही है कि आपने जो इससे पहले जो प्रेजेंटेशन हुई थी जिसमें कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए गए थे वो आपके जहन में है, आपको उनका आइडिया है, तो वो दोबारा डिस्कस नहीं किए जाएंगे यहाँ पर। तो मैथ के फंक्शन जो सबसे बेसिक फंक्शन है मैथ के प्राइमरी में जो हम पढ़ते हैं ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना ये एज अ फंक्शन जो है वो रैमडा के अंदर मौजूद हैं। अब सवाल ये है कि ये हम इसको इस तरह से क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ है कि जो फंक्शंस हों वो करिएबल हो यानी हम उसकी करी बना सकें और उसको जो है पार्शियली कॉल कर सकें। तो इसमें हम ऐड का फंक्शन देखेंगे तो ये बेसिकली दो पैरामीटर्स हैं आर्गुमेंट्स हैं उनको ये प्लस कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ उसके नीचे वाली जो एग्जाम्पल है उसे हम देखें तो वो दो तरीकों से उसको कॉल कर रहा है। पैरामीटर्स जो हैं वो पहले 7 दे रहा है उसके बाद 10 दे रहा है। तो ये निशानी है कि ये जो फंक्शन है ये बेसिकली करीट फंक्शन है और इसको हम पार्शियली कॉल कर सकते हैं। इस तरह से सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है मल्टीप्लाई का फंक्शन है। आप देखें मल्टीप्लाई के फंक्शन को किस तरह से यूज़ किया गया है कि आर डॉट मल्टीप्लाई करके सिर्फ पहला पैरामीटर दिया गया है 2 और उसको नाम दे दिया गया है डबल। तो ये एक नया हमें फंक्शन मिल गया जिसमें पार्शियली हमने अप्लाई किया हुआ है पैरामीटर को। फिर हमने आर डॉट मल्टीप्लाई 3 किया उसको हमने नाम दे दिया ट्रिपल। अब हम किसी भी डिजिट को जो है डबल और ट्रिपल कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है कि अगर हम रैमडा के फंक्शन एक यूज करेंगे। जी, तो हम तमाम फंक्शनल जो फीचर्स हैं वो यूज कर सकते हैं। तो सेकंड सेट जो है वो मैथ लाइब्रेरी का वो ये है कि अगर हम सम करना चाह रहे हैं मीन करना चाह रहे हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट तो उसके लिए भी फंक्शन मौजूद हैं। सम का फंक्शन जो है वो एक अरे के जो एलिमेंट्स हैं उन सबको सम कर सकता है और मीन का मकसद ये है कि आप एवरेज मालूम कर सकते हैं नंबर्स का। इंक्रीमेंट जो है वो एक 1 प्लस कर सकता है और डिक्रीमेंट जो है 1 लेस कर सकता है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ कोई कोई सवाल है? अच्छा मैम, इसमें एक सवाल ये था कि एक फंक्शन था जिसमें फंक्शन रिटर्न हो रहा था और कुछ में वैल्यूज रिटर्न होनी है, जैसे मल्टीप्लाई वाला था उसमें फंक्शन रिटर्न हुआ जी हाँ, है, और बाकी जो दूसरे ऐड डिवाइड इंक्रीमेंट इनमें वैल्यू लेकिन रिटर्न हुई। ये करीब फंक्शन की निशानी ये होती है कि उसको हम पार्शियली कॉल कर सकते हैं। तो जब किसी करीब फंक्शन को हम पार्शियली कॉल करते हैं तो वो एक और फंक्शन रिटर्न कर देता है।
जो फंक्शन वो रिटर्न कर देता है वो सिर्फ आगे के जो पैरामीटर्स होते हैं वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है। सही। ठीक है, तो हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हमें 2/3 करना था, लेकिन हमने कहा भाई 2 तो हमें डबल जो है बार बार करना है, मुख्तलिफ पैरामीटर्स देने हैं, तो हम ये करेंगे कि फर्स्ट टाइम जो है मल्टीप्लाई 2 करके एक फंक्शन ले लेंगे डबल के नाम से। फिर उस डबल को हम 3 से भी कॉल कर सकते हैं, 5 से भी कॉल कर सकते हैं, हम जिस नंबर को देंगे वो उसको डबल कर देगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई स्पेसिफिक कोई अलग फंक्शन है या ये मल्टीप्लाई अगर बेसिक मैं फंक्शन जो ना बेसिक फंक्शन जो है मल्टीप्लाई है, सही है। बेसिक फंक्शन मल्टीप्लाई है, वो दो पैरामीटर लेता है। जैसे कि सबसे आखिरी जो एग्जाम्पल है ना वो ओरिजिनल ओके एग्जाम्पल है, कंप्लीट एग्जाम्पल है, जिसमें 2 और 5 दिया जा रहा है। अच्छा सही है। अब 2 और 5 अच्छा उसको देंगे, तो उसने 10 रिटर्न कर दिया। सही है, और ये सारी ये चीज सारे फंक्शंस के लिए है। देख अगर हाँ मैं r r डॉट एड 7 कर दूंगा तो इसका मतलब है एक फंक्शन बन जाएगा जो 7 ऐड कर रहा है, ऐसे ही। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ऐसे ही। इसमें आई थिंक है आपने इमरान भाई ये करा है कि हमने आर डॉट मल्टीप्लाई 2 का जो है मल्टीप्लाई, वहां पर एक तो पैरामीटर हमने पास करके उसके अंदर हमारे पास ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में रख दिया है। जब हम जी डबल कॉल करेंगे उसका दूसरा पैरामीटर भी जैसे आपने पास करा हुआ है तो वो उसी इंस्टेंस पे कॉल कर देगा और हमें रिटर्न कर देगा आंसर उसका, बिल्कुल। अब देखें हम यहाँ 3 ऐसा पास ही कर रहे हैं, लेकिन वो रिटर्न क्या कर रहा है, 6। तो सिक्स कर रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें डबल में जो है वो हमने उसको दिया हुआ है एक पैरामीटर बिल्कुल उसका। ठीक है, क्लियर है ये। अब हम आ रहे हैं लॉजिक फंक्शन की तरफ। लॉजिक फंक्शन क्या है कि अगर हम कंडीशन बनाते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ बूलियंस यूज करते हैं कंडीशन के लिए, जिसमें एंड है और नॉट और ये हम यूज करते हैं। तो रैमडा जो है वो भी इसके हमें फंक्शन प्रोवाइड करता है, ताकि हमारी जो कंडीशंस हैं वो भी फंक्शनल हो और वो भी जो है करी हो सकें। तो ये आपके सामने एग्जाम्पल है एंड की और की नॉट की और जोर की, और ये टेबल्स जो हैं सारे वही हैं जो ट्रुथ टेबल होते हैं जो हम बुलियन अलजेब्रा में पढ़ते हैं। तो इन सब के रिजल्ट वही आएगा जिस तरह के हम नॉर्मली कंडीशन में यूज़ कर रहे होते हैं, किसी और लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। इसका फायदा ये है कि जो हमारी कंडीशंस होंगी वो भी हम ऑपरेटर के जरिए नहीं करेंगे, वो भी हम फंक्शन के जरिए करेंगे। अब हम लॉजिक में और आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लॉजिक आ रही है। एक फर्स्ट जो फंक्शन है वो आइदर है, आइदर एक नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर होता है, डबल और ऑपरेटर जो होता है जिसमें दो में से कोई एक फंक्शन उठा एक रिटर्न करता है आपको। फर्स्ट पहले वो देखता है कि फर्स्ट जो पैरामीटर है क्या वो बुलियन है, क्या वो ट्रू है। अगर वो ट्रू होता है तो उसको रिटर्न कर देता है, अगर वो ट्रू नहीं होता तो सेकंड वाले को रिटर्न कर देता है। तो यही चीज़ जो है वो आइदर के जरिए हम कर सकते हैं। यहाँ पे दो हमने फंक्शन बनाए हैं, एक है ग्रेटर देन 10 और एक है इवन। तो ये दोनों हमने आइदर को दे दिए, आइदर ग्रेटर देन 10 हो या फिर इवन हो। तो अब होगा ये कि हम इस फंक्शन को जो कि हमने आइदर से बनाया है ये कोई पैरामीटर देंगे, तो वो पहले चेक करेगा कि ये ग्रेटर देन 10 है। अगर ग्रेटर देन 10 होगा तो वो उसको ट्रू रिटर्न कर देगा, हाँ भाई ये फंक्शन ये है। तो ये एफ को हमने 101 दिया तो ये ग्रेटर देन 2 10 था, तो उसने 10 रिटर्न कर दिया। फिर हमने 8 दिया तो ये ग्रेटर देन 10 नहीं था, तो इसने इसको इवन के तौर पर 2 रिटर्न कर दिया। अगर हम इसको 7 देंगे तो क्या रिटर्न करेगा, नहीं 7 ही रिटर्न करेगा उस केस में। तो बेसिकली कौन दो आपके पास दो फंक्शंस हैं, आप चाहते हैं कि पहला फंक्शन अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो वो रिटर्न हो जाए, एल्स सेकंड फंक्शन रिटर्न हो जाए, तो उसके लिए आइदर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है वो बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, वो है कंडीशन की। हम नॉर्मली जो कंडीशन लिखते हैं वो हम लैंग्वेज जो होती है उसी को यूज करते हुए लिख रहे होते हैं इफ एल्स के जरिए। तो उसके लिए भी जो है आर के अंदर एक फंक्शन है, हम उस फंक्शन को यूज करते हुए कंडीशन लिखते हैं। फंक्शन आपके सामने, कंडीशन में जो है हमने फर्स्ट एक एक अरे दे रहे हैं, उसके अंदर हमने दिया है कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सही है, ये ट्रू हो जाती है, तो फिर आपने रिटर्न क्या करना है। तो ये दो एग्जांपल ऊपर दे रखी हैं जो कि एक स्पेसिफिक वैल्यूज को मैच कर रही हैं, और स्पेसिफिक वैल्यू के बाद किसी और वैल्यू में एल्स आपने लगाना है कि इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो तो उसके बाद क्या करना है। तो वो थर्ड लाइन में लिख दिया गया कि भाई इसके अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो वैल्यू आप मुझे दे दें, मैं उस वाली को जो प्रोसेस करना होगा उसको प्रोसेस कर लूंगा मैं। तो ये इफ एल्स इफ जो है ना वो उसका जो एक किस्म का फंक्शन बनाया हुआ है। फिर इसको नीचे कॉल किया है, फंक्शन को कॉल किया है 0 देकर। जब 0 दिया तो ज़ाहिर बात है फर्स्ट जो कंडीशन है वो पूरी हो गई है और उसने वो टैक्स रिटर्न कर दिया। अगर हमने 50 दे रहे हैं तो ये लास्ट
जो कंडीशन है उसमें आ रहा है कि मैंने ये जीरो से मैच कर रहा है ना ये हंड्रेड से मैच कर रहा है, तो जब 50 दिया तो उसने फिर प्रिंट कर दिया नथिंग स्पेशल हैपेंस एट दिस टेम्परेचर, अगर 100 देंगे तो फिर वो सेकंड कंडीशन को जो है वो प्रिंट कर देगा। अब इसमें जो अहम चीज़ है वो है आर डॉट ऑलवेज। अब ऑलवेज क्या है, ऑलवेज कॉन्स्टेंट जब हमें रिटर्न करना होता है तो हम कॉन्स्टेंट को भी हार्ड कोडेड या लिटरल वे में रिटर्न नहीं करते हैं, उसको भी हम ऑलवेज के जरिए रिटर्न करते हैं। रीज़न वही है कि हम जितना काम फंक्शन के जरिए करेंगे उतना हमारे लिए जो है वो फंक्शनल वे में चीज़ों को लेके चलना आसान होता है। अच्छा, फंक्शनल में मसला प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि चेन बनती है उसके अंदर फंक्शंस की, अब उस चेन के अंदर जो सारे फंक्शंस हैं वो सारे के सारे जो हैं वो प्योर फंक्शन होने चाहिए और फंक्शनल वे में उनको काम करना चाहिए। अगर उस चेन के अंदर एक भी फंक्शन ऐसा हुआ जो कि प्योर नहीं है या फंक्शनल वे में काम नहीं कर रहा, तो फिर जो है आपके रिजल्ट जो है वो अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं। तो उसके लिए रैमडनेस तमाम जितने भी यूसेज हैं जिसमें कि हमें फंक्शन की जरूरत पड़ती है, चाहे वो वेरिएबल हों, चाहे वो कॉन्स्टेंट हों, कंडीशंस हों, लॉजिक हो, मैथ हो, कुछ भी हो, उसके लिए फंक्शन बना के दिए। यहाँ तक कोई सवाल? और नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं जो है रिलेशन फंक्शन। सर, रिलेशन फंक्शन जो है बेसिकली मैथ्स रिलेटेड फंक्शन है। हम जब कंडीशन देते हैं तो कंडीशन बनाने से पहले हमें उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल एन इक्वल के जो पैरामीटर्स होते हैं, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो लैम्डा में अगर हम काम कर रहे हैं तो वो भी हम फंक्शन के जरिए करेंगे। तो ये फंक्शन आपके सामने जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वल्स, कि अगर हमने दो वैल्यूज़ को चेक करना है कि क्या वो दो वैल्यूज इक्वल हैं, तो आप इक्वल का साइन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि इक्वल्स का फंक्शन यूज़ करेंगे। इसी तरह से ग्रेटर देन और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन एंड इक्वल टू, ये सारे फंक्शन आपको दिए हैं जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ वैल्यूज़ के दरमियान रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें है मिन और मैक्स, कि अगर आपको कुछ वैल्यूज़ हैं उसमें से ये मालूम करना है मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो वो आप मालूम कर सकते हैं। बाकी की जो फंक्शन हैं वो सेट थ्योरी से रिलेटेड है, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, ये टिपिकल जो सेट थ्योरी हैं ये उस पर काम करते हैं। आपने यूनियन में दो पैरामीटर्स दिए जो कि दो लिस्ट हैं, तो आपको एक नई लिस्ट मिल जाएगी, उस लिस्ट में जो है वो सारे यूनिक एलिमेंट्स होंगे, कोई डुप्लीकेशन नहीं होगी उसके अंदर, तो वो दोनों को कंबाइन करके उनका यूनियन बनाकर आपको दे देगा। आपने इंटरसेक्शन अगर यूज़ किया तो दो आप जो लिस्ट देंगे उसको, दो लिस्ट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे उस कॉमन एलिमेंट की एक लिस्ट आपको मिल जाएगी। इसी तरह से डिफरेंस से ए माइनस बी वो पहले सेट में से निकाल देगा, जो दूसरे सेट के जो मेम्बर्स होंगे वो निकाल देगा, बाकी जो यूनिक होंगे वो आपको दे देगा। तो ये बेसिकली मैथ्स रिलेटेड बेसिक जो चीज़ें हैं जो कि हर लैंग्वेज के अंदर होती हैं, और जब हम लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हम ये सारी चीज़ें उस लैंग्वेज के रिलेटेड सीखते हैं, क्योंकि ये सब कॉन्स्ट्रक्ट यूज़ करते हुए भी हम फंक्शन लिख सकते हैं। तो अभी तक हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि हम किस तरह से लैंग्वेज के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को जो है आर के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें नेक्स्ट कैटेगरी है ऑब्जेक्ट फंक्शंस की। ऑब्जेक्ट फंक्शंस में नंबर वन जो फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो है क्लोन, जो कि हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का डीप कॉपी बनाकर देता है। अब इसमें जो एग्जांपल दे रखी है वो यही बता रही है कि भाई देखें ये डीप कॉपी बन रही है, इसके अंदर आपने एक अरे ऑब्जेक्ट्स का उसको क्लोन के जरिए क्लोन किया और फिर उसको आपने चेक किया कि वो इक्वल बराबर है या नहीं है, तो वो इक्वल नहीं है। इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्लोन होकर एक नई कॉपी आपको मिल गई है। जो सेकेंड कैटेगरी है वो हैज़ प्रॉपर्टी, अगर आपने चेक करना है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी है या नहीं है, तो उसके लिए आप हैज़ का मेथड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल दे रखी है वो उसमें जो आप देखें करी यूज़ किया हुआ है कि हैज़ के पास सिर्फ फर्स्ट पैरामीटर दिया है नेम, और उसको फिर मल्टीपल ऑब्जेक्ट दिए कि भाई ये बताएं कि इस ऑब्जेक्ट के पास नेम है या इस ऑब्जेक्ट के पास नेम है, तो वो सिंपली चेक करता है कि जो ऑब्जेक्ट उसको दिया गया इसके बाद नेम की प्रॉपर्टी है या नहीं है। अगर नेम की प्रॉपर्टी है तो रिटर्न कर रहा है, अगर नेम की प्रॉपर्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो ये फायदा है कि अगर हम रैमडा की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम उसको करी फंक्शन के जरिए यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छा, ये जो हैज़ है ये सिर्फ काम करता है उस ऑब्जेक्ट के अपनी प्रॉपर्टीज़ पे। अगर फर्स्ट करें उस ऑब्जेक्ट को इनहेरिटेंस के जरिए कुछ और प्रॉपर्टीज भी मिली हैं, तो फिर आपको हैज़ इन यूज़ करना पड़ेगा। तो हैज़ इन जो है वो पूरा जो इनहेरिटेंस का चार्ट होता है या ग्राफ होता है उसको एक्सप्लोर करके चेक करता है कि इस ऑब्जेक्ट के पास इस नाम की प्रॉपर्टी किसी भी लेवल पे है या नहीं है।
आगे एग्जांपल दे रखी है प्रोटोटाइप की कि किस तरह से रेक्टेंगल को प्रोटोटाइप के जरिए एरिया की प्रॉपर्टी मिली, तो अगर हम हैज इन एरिया मालूम करेंगे तो वो भी ट्रू आएगा, अगर सिर्फ हैज यूज करेंगे तो वो ट्रू नहीं आएगा, वो फॉल्स आएगा। अब जो प्रॉपर्टी फंक्शन हैं वो बहुत कॉमन फंक्शन हैं जो हम ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जावा में यूज कर जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, जिसमें एक कीज और वैल्यूज। तो कीज का जो फंक्शन है, अगर हम उसको कोई ऑब्जेक्ट देते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के सारी प्रॉपर्टी के नाम जो है वो हमें रिटर्न कर देगा एक लिस्ट के अंदर, एक अरे के अंदर। तो ये एक हमने ऑब्जेक्ट दिया है इसको कीज को ए बी सी, जिसमें प्रॉपर्टीज के नाम है, तो उसने हमें ए बी सी का अरे रिटर्न कर दिया। इसी तरह वैल्यूज हैं, अगर हम सिंपल वैल्यूज का फंक्शन यूज करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज हैं, तमाम प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज हैं, वो हमें रिटर्न कर देगा एक अरे के अंदर। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज ए बी सी की वैल्यूज हैं 1 2 3, तो उसने रिटर्न कर दिया सिर्फ 1 2 3। अब इसी का जो सब एक और वो है इन कीज इन और वैल्यूज इन, कीज इन और वैल्यूज इन जो है वो सिर्फ प्रॉपर्टीज चेक करता है, वो पूरे इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज चेक करता है कि इस ऑब्जेक्ट को इनहेरिटेंस के जरिए जितने भी प्रॉपर्टीज कीज मिली हैं वो सब की लिस्ट प्रोवाइड कर देता है। इसी तरह से वैल्यूज इन है, वैल्यूज इन भी ये उस ऑब्जेक्ट को इनहेरिटेंस के जरिए जितनी वैल्यूज हैं वो सब की लिस्ट या अरे प्रोवाइड कर देता है। तो ये जो तीन सेट है इसके अंदर हैज कीज और वैल्यूज, इन तीनों का इन वेरिएशन भी मौजूद है, इन वर्जन भी मौजूद है, जो कि इनहेरिटेंस स्पेसिफिक होता है। यहाँ तक कोई सवाल? अब ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ और फंक्शंस हैं। अब फर्ज करें अभी तक हमने जो भी काम किया उसमें हमें सिंगल प्रॉपर्टी की अगर वैल्यू मालूम करनी है कि भाई इस ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है, जरा इसकी वैल्यू बता दें क्या है, तो उसके लिए प्रॉप का फंक्शन है। फर्ज करें एक ऑब्जेक्ट है जिसकी एक प्रॉपर्टी है का नाम है एक्स, तो हम उसको प्रॉप एक्स करके उसकी वैल्यू मालूम कर सकते हैं। नॉर्मली होता है क्या, हम ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज मालूम करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो उस ऑब्जेक्ट को लिख के डॉट लगाते हैं और उस प्रॉपर्टी का नाम देते हैं, तो उसकी वैल्यू हमें किसी वेरिएबल में मिल जाती है। लेकिन रैम्डा के अंदर हमें ये काम भी जो है वो फंक्शन के जरिए करना होता है। अब बातों का ऐसा होता है, हमें मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल प्रॉपर्टीज की वैल्यूज मालूम करनी है, फिर हम उसके लिए प्रॉप्स यूज करते हैं। अब प्रॉप्स में हम देखें, हमने जो प्रॉपर्टीज मालूम करनी है वो हमने अरे में या लिस्ट में दे दिए एक्स वाई, आगे ऑब्जेक्ट दे दिया है, तो उसने उनकी वैल्यूज को जो है वो एक अरे में रिटर्न कर दिया 1 2। अब हो सकता है कि हमें अरे ना चाहिए वैल्यूज का, हम चाह रहे हो कि हमें ऑब्जेक्ट ही मिले, तो उसके लिए फिर है पिक। पिक का फंक्शन जो ये करता है कि आप जो इसको प्रॉपर्टीज के नाम देते हैं तो उस प्रॉपर्टीज के नाम का एक नया ऑब्जेक्ट आपको दे देगा और उसमें प्रॉपर्टी भी होंगी और उसकी वैल्यूज भी होंगी। तो एक तरह से ये उसने उस ऑब्जेक्ट को एक सबसेट आपको प्रोवाइड कर दिया। पिक के बाद है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जो काम करता है वो बेसिकली जिस तरह के अगर हम एसक्यूएल वाला प्रोजेक्ट अगर हमें याद हो तो ये प्रोजेक्शन उसी कॉन्टेक्स्ट में काम करता है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, उसकी एक लिस्ट है, अब हमें चाहिए कि इन दोनों ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज चाहिए। अभी सिंगल ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा प्रोजेक्ट, एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे काम कर रहा है, तो हम उसको प्रोजेक्ट करेंगे तो वो तो पूरे लिस्ट में से सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज निकाल के हमें उसका अरे बनाकर दे देगा और बाकी सबको छोड़ देगा, बिल्कुल इस तरह जैसे एसक्यूएल के अंदर हम सेलेक्ट की क्लॉज लगाते हैं। यहाँ तो कोई सवाल? अब ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी है वो लिस्ट या अरे से रिलेटेड फंक्शंस की है। अब इसमें जो फंक्शन हमारे पास हैं वो हैं, सबसे पहला फंक्शन है ऑल। तो ऑल में बेसिकली हम एक प्रेडिकेट देते हैं और उसके साथ साथ हम उसको डेटा देते हैं, तो वो चेक करता है कि ये डेटा जो है उसके तमाम एलिमेंट्स इस प्रेडिकेट को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे, अगर कोई एक भी पूरा नहीं करता तो वो फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो बेसिकली ऑल हम इसलिए यूज करते हैं। अगर फर्स्ट करें हम इसका बिल्कुल रिवर्स करना हो एनी यूज करते हैं उसके लिए। एनी का मतलब ये कि अगर उस लिस्ट में से कोई एक और एक मेंबर भी उस कंडीशन को पूरा कर देगा तो हम उसको वो ट्रू रिटर्न कर देगा और उस सूरत में फॉल्स रिटर्न करेगा जब उस लिस्ट का कोई मेंबर जो है उस कंडीशन को पूरा नहीं करेगा। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है लेस देन 0 लेस देन 2 और एनी की क्लॉज यूज की गई है, दो सेट दिए गए 1 2 के, दो दफ़ा यूज़ किया गया। तो 1 2 में जो है लेस देन 0 कोई नहीं है, उसने फॉल्स रिटर्न किया, और 1 2 में लेस देन 2 जो 1 है 1, तो उसने ट्रू रिटर्न किया।
अच्छा, अगर हमें किसी लिस्ट, हमें एक लिस्ट है उसके काउंट मालूम करने हैं कंडीशनली, कि भाई ये कंडीशन पूरे करने वाले जो मेंबर्स हैं उनके काउंट बता दें, तो उसका तरीका ये है, हम काउंट का फंक्शन यूज़ करते हैं, उसको प्रीडिकेट देते हैं और उसके बाद उसको लिस्ट देते हैं, तो हमें आउटपुट कर देगा कि भाई इस लिस्ट में कितने मेंबर्स हैं जो कि इस कंडीशन पे पूरा उतर रहे हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखी है, इवन का एक फंक्शन दे रखा है और एक लिस्ट दी गई है 5 एलिमेंट्स जिसके हैं 1 से लेके 5 तक, और उसमें ये पूछा गया है भाई बताएं कि इसमें इवन कितने हैं, तो उसने बता दिया कि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स जो हैं वो इवन हैं, बाकी ऑड हैं। जो नेक्स्ट सेट है वो अपेंड और ड्रॉप करने से रिलेटेड है, हमारे पास लिस्ट ही आ रहे हैं उसमें से हम कोई मेंबर ऐड करना चाह रहे हैं या उसमें से रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम नॉर्मली जावास्क्रिप्ट में किसी और तरीके से करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इसके लिए स्पेसिफिक फंक्शन दे रखे हैं। पहले जो फंक्शन है वो अपेंड का है, उसको हम एक एलिमेंट देते हैं, एक मेंबर देते हैं और एक लिस्ट देते हैं, तो वो उस मेंबर को उस लिस्ट के सबसे आखिर में अपेंड करके एक नई लिस्ट रिटर्न करता है। अच्छा, ये जो नई लिस्ट रिटर्न कर रहा है ना, इसकी खास वजह जो हम अब फर्स्ट सेशन में फंक्शन प्रोग्रामिंग का था उसमें हम देख चुके थे, वो है इम्यूटेबिलिटी। इम्यूटेबिलिटी ये है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करेंगे बल्कि हमेशा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ताकि चेंज डिटेक्शन हो सके, ताकि हिस्ट्री हमारी मेंटेन रह सके। तो इसमें यही काम हो रहा है कि अपेंड कर रहे हैं तो वो उस लिस्ट को मॉडिफाई नहीं करता बल्कि एक नई लिस्ट क्रिएट करके आपको रिटर्न करता है। प्रीपेंड और अपेंड में फर्क ये है कि प्रीपेंड शुरू में ऐड करता है मेंबर को और अपेंड जो आखिर में ऐड करता है। उसमें जो एग्जाम्पल दे रखी है उसमें जो फी जो ऐड किया गया है तो वो शुरू में ऐड हुआ है। ड्रॉप है, ड्रॉप जो है वो उसके साथ उसको हम नंबर देते हैं कि भाई कितने एलिमेंट को ड्रॉप करना है, ड्रॉप कितने एलिमेंट को ड्रॉप कर दो, तो वो फर्स्ट मेंबर जो है वो शुरू से जो है वो फर्स्ट एन एलिमेंट्स को जो ड्रॉप कर देगा और लास्ट के रख लेगा, और हमें रिवर्स करना है कि भाई लास्ट के ड्रॉप करवाने हैं तो हम ड्रॉप लास्ट यूज़ करेंगे, उसको नंबर देंगे, लिस्ट देंगे, तो वो लास्ट से जो है एलिमेंट को ड्रॉप कर देगा। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमने 1 दिया था, उसने जो लास्ट था बास उसको रिटर्न डिलीट रिमूव कर दिया और एक नई लिस्ट रिटर्न की जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स मौजूद थे। अब लिस्ट में और भी फंक्शन है, ये बेसिक जो फंक्शन है अब वही है जो हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते रहे हैं, लेकिन अगेन ये जो फंक्शन जो है वो फिर हमें फंक्शनल पैरामीटर दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है फिल्टर, हमें कोई लिस्ट फिल्टर करनी है तो उसका तरीका यही है कि हम उसको एक प्रेडिकेट दें जो कि एक फंक्शन होगा और एक लिस्ट दें, तो उस लिस्ट में से वो प्रेडिकेट अप्लाई करेगा और जो ट्रू वाले होंगे उसे रिटर्न करेगा। मैप जो है वो उस लिस्ट के तमाम जो मेंबर्स हैं उस पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर देगा और उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक अरे में रिटर्न कर देगा। इसी तरह से फाइंड है, फाइंड जो है वो उस लिस्ट में से एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट लेकर आएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेकर आएगा जो कि उस प्रॉपर्टी या उस प्रिडिकेट को पूरा कर रहा होगा, वो आपको लागर दे देगा भाई ये ऑब्जेक्ट है जो कि इस प्रॉपर्टी इस प्रिडिकेट पे पूरा उतर रहा है, इसको ट्रू लेकर आ रहा है, और आप चाहते हैं कि आखिर वाला लेकर आए यानी लास्ट ट्राई करे फाइंड करना, तो उसके लिए भी फाइंड लास्ट है। फाइंड लास्ट जो है उस लिस्ट के आखिर से ट्राई करना शुरू करता है, और जैसे ही कोई मेंबर उस प्रिडिकेट पे पूरा उतरता है तो वो उसको रिटर्न कर देता है। यहाँ तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ डिस्कस करनी हो? मुझे ना एक छोटी सी कंफ्यूजन है ये कि डेफिनेटली ये फंक्शनल वे में है और सिंटेक्स तो इसका अपना है, लेकिन मुझे एक चीज क्लैरिफाई करनी थी कि वाई वो शुड डू इंस्टॉल रैमडा, मतलब वो जो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, सिंटेक्स ऑल दो डिफरेंट है लेकिन का पर्पस तो वो भी अचीव हो रहा है ना हमारे पास। जैसे हम अगर लोड हैश से, जैसे हम लोड हैश से यही वाली फंक्शंस कर क्लोन के नेम सारी प्रॉपर्टीज, तो वो लाइब्रेरीज भी हमें ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही थी, तो इसकी नीड क्यों जरूरत पेश आई हमें? लेकिन जो लोड हैश है ना वो एक एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है, उसमें सिर्फ फंक्शन प्रोग्रामिंग नहीं है, उसमें बेशुमार चीजें हैं। तो लोड हैश जो है बेसिकली स्विस आर्मी नाइफ है, उसमें बेशुमार चीजें हैं। अब आपको अगर फर्ज करें लोड हैश में से सिर्फ फंक्शन प्रोग्रामिंग वाला पार्ट लेना है, ठीक है, तो आप रैमडा ले सकते हैं। तो ये हमारे सामने इनिशियल आया था कि हम कौन सी लाइब्रेरी लें, तो बेसिक ये था कि हमें एक लाइब्रेरी डिस्कस करनी है ताकि हमें उस फंक्शनल वे की आइडिया हो जाए। तो जो जो यूजेज जो हमें ज़्यादा आ रहा था वो रैमडा का सामने नज़र आ रहा था, अभी बाकी भी मालूम किया था, इंडस्ट्री में भी थोड़ी चीज़ें देखी थी तो उससे भी पता चल रहा था कि रैमडा जो है ना फंक्शनल स्पेसिफिक के लिए रैमडा प्रेफर है, बाकी जनरल पर्पज़ के लिए जो है लोडेश है। बाकी एक चीज़ और बता दूं, मैं एक आर्टिकल है वो मैंने पढ़ा नहीं, रैमडा की वेबसाइट पर ही है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लोडेश
में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्होंने रेमडा लिखी है, तो वो आर्टिकल आप देख सकते हैं, वो मैंने पढ़ा नहीं आर्टिकल। इसके अंदर एक चीज का आइडिया है हमको भी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लैम्डा ही पिक कर लेते हैं तो ये हमारा फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर हेल्प तो करती है डेफिनेटली, लेकिन उस केस के अंदर फिर ये फेल नहीं हो जाएंगे? क्योंकि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हमें लेट्स सपोज बात करते हैं तो बहुत से मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टेट से प्ले कर रहे होते हैं या फिर ऐसे जो कि साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर फिर हम इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे? हाँ अभी देखें, अभी हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना अवेयरनेस है, शायद अभी हम एप्लीकेशन या इम्प्लीमेंटेशन वाले फेज में ना जाएं फिलहाल, क्योंकि वो एक चैलेंजिंग चीज़ है, एक नई चीज़ हम प्रोडक्शन में या फिर जो है किसी प्रोजेक्ट के अंदर इतनी आसानी से यूज़ नहीं करेंगे। ये हम अपनी जर्नल में आपको बता रहा हूँ क्या कहते हैं अप्रोच, तो हमने इससे पहले फंक्शनल प्रोग्रामिंग देख लिया, हमने ये देख रहे हैं रैमडा। जो नेक्स्ट फेज ये होगा कि हम हमारा जो टिपिकल एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर हम स्पेसिफिक जगहों पर, पूरे एप्लीकेशन में नहीं, स्पेसिफिक जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर वो चीज़ हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे सकती है, वहाँ पर हम रैमडा यूज़ करें। और मैंने भी जो एक तो प्रोग्राम देखे हैं तो वहाँ पर वो स्पेसिफिक जगहों पर रैमडा यूज़ होता है, ऐसा नहीं कि पूरी एप्लीकेशन जो है थ्रू आउट जो है फंक्शनल में लिख दी जाए। लेकिन ये चीज कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं कर रही? फॉर एग्जांपल देखें अभी एक न्यू डेवलपर्स है, उसको लैम्डा भी सीखनी पड़ेगी। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ रफ सी, ठीक है? और फिर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, वो लोडेश के अंदर है, फिर उसे लोडेश भी देखनी पड़ेगी। तो आपके ख्याल में क्या ये ओवरऑल हमारी एप्लीकेशन की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं इंक्रीज कर रही? हाँ हमारे एप्लीकेशन जो है वो आप जैसे अगर आप 10 साल पुरानी बात करें या उससे 5 साल पुरानी बात करें, तो उसके मुकाबले में जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है एप्लीकेशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। और सिर्फ ये वेब का नहीं है, बैक एंड पे भी आप देखें, आप मोबाइल ऐप पे भी देख लें, तो वो इतनी ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर ऐड करना पड़ रही हैं कि वो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो रहा है। तो अभी हमारा अभी हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है ना कि ये सारे सेशन का मकसद ये नहीं है कि आप इसको कल जाएँ और अप्लाई करना शुरू कर दें, इसका मकसद ये है कि आपको टूल्स का आइडिया हो, आपको टेक्निक्स का आइडिया हो, और जब आप समझें किसी प्रोजेक्ट में आपको ज़रूरत है और आपके पास बैंडविड्थ है और आपके पास डेवलपर्स हैं, तो वहाँ पर वो चीज़ अप्लाई कर सकें। तो ऐसा नहीं है कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप जाएं कल से इस पर काम शुरू कर दें। ये सिर्फ लर्निंग के लिए हमारा एक सेशन चल रहा है जिसमें अवेयरनेस देना चाह रहे हैं कि भाई दुनिया में देखें ये चीज़ें भी हैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली इसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन, जैसे इमरान भाई ने कहा कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट में इसको कहाँ यूज करना है, उसका एक और सेशन कर सकते हैं। बाकी जो आपका एक और क्वेश्चन है कि कुछ केसेस में एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स भी बनती है, कुछ केसेस में वो सिंपल भी हो जाती है। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी एप्स देखी हैं जिसमें बिजनेस लॉजिक इस तरह लिखी हुई है कि उसमें आप यूनिट टेस्टिंग नहीं लगा सकते, तो वो ऑब्वियसली इसीलिए है क्योंकि उन्होंने फंक्शनल और ओप का मिक्सचर एक बना दिया। तो अगर वहाँ पे एक पर्टिकुलर वे में काम हो रहा होगा तो वो फिर यूनिट टेस्टिंग उसकी सिंपल हो रही होगी, लेकिन बिजनेस लॉजिक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो रही होगी इसकी वजह से। तो वो प्रोज एंड कॉन्स हैं और वो थ्रेशोल्ड है, तो वो जैसे अपना आपको इवेलुएट करने होंगे कि कब कहाँ पे क्या चीज लगानी है। सही, और किसी का कोई कमेंट है इससे रिलेटेड, जनरल कमेंट कब यूज करना है वगैरह वगैरह? तो ठीक है, आगे बढ़े मैं। ठीक है, अब हम लास्ट सेक्शन की तरफ आ गए हैं, फंक्शंस। फंक्शन अभी तक इससे पहले हमने जो सेक्शन देखे थे वो बेसिकली हमारा ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे थे, हमें फाउंडेशन दे रहे थे जिसकी बेस पर हम आगे काम कर सकते हैं। और जो फंक्शनल जो चीज़ें हैं वो हमें इस कैटेगरी में मिलती हैं, यानी यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें मिल रही हैं वो बेसिकली मुख्तलिफ फंक्शंस पे अप्लाई हो रही हैं, और यही है जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग का एसेंस है, या जिसकी बेस पे फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है दूसरी प्रोग्रामिंग दूसरी लैंग्वेजेस से या दूसरे पैराडाइम से डिफरेंट होती है। इससे पहले हमने जो भी चीज़ें देखी वो सब दूसरी लैंग्वेजेस में दूसरे पैराडाइम में भी मौजूद हैं, लेकिन ये अब जो हम देख रहे हैं दूसरे पैराडाइम में मौजूद नहीं है। नंबर वन उसमें है कंपोज। कंपोज हम पढ़ चुके हैं, हमने देख चुके हैं, हमने लास्ट सेशन किया था फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग की सबसे अच्छी बात ये होती है कि जिस तरह से हमारा जो मैथ के अंदर कंपोजिशन होती है फंक्शंस की, उसी तरह से इसमें भी फंक्शन की कंपोजिशन होती है। तो कंपोज का फंक्शन क्या करता है, ये एफ और जी दो फंक्शन है, उसको हम एक वेरिएबल दे रहे हैं एक्स, तो ये फंक्शन जी ऑफ एक्स का जो आउटपुट आएगा वो फंक्शन एफ के लिए जो है वो इनपुट होगा, वो इसको प्रोसेस करेगा। तो दोनों फंक्शन जो है इस डेटा को प्रोसेस करेंगे, और इस तरह से हम इसको चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए एक फंक्शन दिया है रैमडा ने, उसका नाम है कंपोज।
तो आर डॉट कम्पोज के अंदर हमने इस एग्जाम्पल में हम देखें तो इसमें उन्होंने तीन फंक्शन दिए हुए कॉमा करके, इसमें एक है एब्सोल्यूट का, एक है ऐड का और एक है मल्टीप्लाई का। अब ये तीनों फंक्शन को कंपोज के अंदर डाल दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि एक हमारा डेटा पाइपलाइन बन गई है। अब हम इस फंक्शन को जो कि कंपोज ने जनरेट किया, हम कोई अगर डेटा देंगे, कोई इनपुट देंगे, तो वो इनपुट जो है तीन स्टेप से गुजरेगा। मसलन हमने इसको दिया -4, अब -4 को पहले एब्सोल्यूट के पास दिया, जब मैथ डॉट एब्सोल्यूट के पास गया तो उसने क्या कर दिया, उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया। फिर वो गया एड वन के पास, जब वो एड वन के पास गया तो उसने उसमें 1 प्लस करके उसको 5 कर दिया। फिर उसके वो गया, सॉरी ये तो राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट नहीं है, राइट टू लेफ्ट है। तो जो इनर है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, वो जो आउटर है वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो इनर जो है मल्टीप्लाई है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -8 हो गया, -8 में 1 प्लस किया, -7 हो गया, -7 को एब्सोल्यूट किया, 7 हो गया, तो ये 7 इसका आंसर आ गया। अच्छा, कंपोज में एक सबसे बड़ा मसला ये है, कंपोज जो है वो लैंग्वेज का जो डायरेक्शन है उसका अपोजिट है, तो प्रोग्रामर्स को थोड़ी कंफ्यूजन होती है इसको समझने में, इसको देख के सब चीज़ों को समझने में, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो चल रही होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो इसके लिए फिर जो है रैमडा ने एक और फंक्शन दिया है, वो है पाइप। पाइप के अंदर वही काम होता है जो कंपोज में होता है, सिर्फ फर्क ये होता है कि उसमें हम लेफ्ट टू राइट फंक्शन परफॉर्म होते हैं। अब ये पाइप के अंदर तीन फंक्शन दिए हुए, पहला है पावर का, दूसरा है निगेट का, तीसरा इंक्रीमेंट का। और उसको हमने दो वैल्यूज दी हैं 3 और 4। अब जो दो वैल्यूज दिए ना 3 और 4, ये जाएंगी पहले पावर के पास, तो उसका पावर आ जाएगा जिसमें आगे दे रखा है। फिर वो जाएगी निगेट के पास, तो उसकी नेगेशन हो जाएगी। फिर वो जाएगी इंक्रीमेंट के पास, तो उसमें प्लस 1 आ जाएगा। तो 3 की पावर 4 जो है 81, और फिर उसको हम नेगेटिव करेंगे तो उसमें प्लस 1 करेंगे, तो ये 80 आ जाएगा तकरीबन यहाँ पर। तो बेसिक एग्जाम्पल का मकसद ये कि आपको पाइपलाइन बनाना आ जाए, कि फंक्शन की पाइपलाइन कैसे बनती है। अब जो जो सबसे इम्पोर्टेंट अब जो फंक्शन है करी, जिसमें कि जो कि बेसिक है या फाउंडेशन है फंक्शन प्रोग्रामिंग की, कि भाई किस तरह से हम किसी नॉर्मल फंक्शन को करी फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए जो फंक्शन है वो है करी। तो इसमें एग्जांपल में देखें, ऐड फोन नंबर्स का एक सिंपल सा फंक्शन है जिसमें 4 नंबर दिए गए हैं, उनको वो रिटर्न सम करके रिटर्न कर रहा है। हमने उसको कह दिया भाई आर डॉट करी के जरिए उसके करी वर्जन ले लिया, करीट वर्जन ले लिया। अब करीट वर्जन का फ़ायदा देखें क्या है, कि हम उसको जो है पार्शली कॉल कर सकते हैं। हमने उसको 1-2 दिया और उसने हमें एक फंक्शन रिटर्न कर दिया। अब हमें उसको आगे दो फंक्शन दो पैरामीटर्स और देने, फिर हमने उस फंक्शन को जो नया फंक्शन था सिर्फ एक और पैरामीटर दिया, तो उसने हमें एक और फंक्शन रिटर्न कर दिया। अब हमने जो लास्ट फंक्शन था उसको एक पैरामीटर और दिया, तो उसने जो ओरिजिनल फंक्शन था उसको कॉल कर दिया। तो हमने 3 हिस्सों में पैरामीटर्स प्रोवाइड किए, 1, 2, 3, 4, आखिर में रिजल्ट क्या आया, 10 रिजल्ट आया। तो करिएट फंक्शन का ये फायदा होता है कि उसको आप पार्शियली कॉल कर सकते हैं। अच्छा, एक उसमें मेथड है, एक फंक्शन है पार्शियल का। पार्शियल का फंक्शन जो है वो पार्शियल कॉल करता है, लेकिन नॉन करिएट फंक्शन पे करता है। उसकी जरूरत इस वक्त पेश आती है जब आप किसी और लाइब्रेरी को यूज कर रहे हैं जिसमें जो फंक्शन लिखा हुआ है वो करिएट नहीं है, और आप चाहते हैं कि एक नॉन करिएट फंक्शन है उसको आप पार्शियली कॉल कर सकें, तो फिर उसके लिए पार्शियल का मेथड है आपके पास, फंक्शन है, आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको पार्शियली कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, एक फंक्शन है मल्टीप्लाई टू, जो उसका करीट वर्जन हमारे पास नहीं है, हमने उसको पार्शियल के जरिए एक पहला पैरामीटर दे दिया और दूसरा पैरामीटर बाद में दिया। अब जो नेक्स्ट जो एग्जांपल है बहुत अच्छी एग्जांपल है, और वो जो हमारे जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग की एक हमारे वैल्यू एडेड चीज़ है, हमें एक एडवांटेज मिल जाता है बिल्ट इन, वो है मेमोराइज विथ। ये हम एक फंक्शन ऐसा क्रिएट करता है जो कि कैश करता है रिजल्ट को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हम देख चुके हैं कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो प्योर होते हैं, उसमें साइड इफेक्ट नहीं होते, वो एक्सटर्नल चीज़ों को एक्सेस नहीं कर रहे होते। तो जब वो एक्सटर्नल चीज़ों को एक्सेस नहीं कर रहे तो हम उनका जो रिजल्ट होगा ना उसको कैश कर सकते हैं। क्यों, कि अगर स्पेसिफिक पैरामीटर हैं, हमें मालूम है हम उसको स्पेसिफिक इनपुट देंगे तो वो स्पेसिफिक आउटपुट रिटर्न करेगा। तो फर्स्ट टाइम उसने वो आउटपुट कैलकुलेट जब किया तो उसको वो सेव भी कर सकता है, और ये चेक कर सकता है नेक्स्ट टाइम के जब सेम पैरामीटर्स आए तो बजाय मैं वो कैलकुलेशन दोबारा करूं, मैं जो लास्ट कैलकुलेशन थी वही एज इट इज रिटर्न कर दूं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखी है फैक्टोरियल की, उसको हमने मेमोराइज विद फंक्शन के अंदर रखा है, और उसमें हमने एक काउंट लिया हुआ है प्लस 1 का। ये काउंट प्लस 1 ये चेक कर रहा है कि ये फंक्शन कितनी दफा कॉल किया गया है। ऊपर हमने उसको 0 से इनिशियलाइज करवाया है,
फिर हमने इसको तीन दफा कॉल की, तीनों दफा उसने हमें 120 का रिजल्ट दिया, और जब हमने काउंट को चेक किया तो काउंट का रिजल्ट आया 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर काउंट जो है सिर्फ एक दफा कॉल हुआ था, क्योंकि हमने मेमोइज भी यूज किया था, तो इसने जो है रिजल्ट को कैश कर लिया और फिर वही रिटर्न करता था। तो इससे हमारी परफॉर्मेंस ऐसी जगहों पर जहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग ज्यादा है, डेटा कैलकुलेशन है, वहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस जो है इम्प्रूव हो जाती है। अभी एक और डिफरेंट या यूनिक चीज है फंक्शन प्रोग्रामिंग की, वो है जक्स्ट। जक्स्ट क्या कर रहा है, अगर ये आपके एक लिस्ट ऑफ फंक्शन है उनको लिस्ट ऑफ वैल्यूज प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर फर्स्ट करें आपने बल्क प्रोसेसिंग करनी है, यानी दो तीन फंक्शन हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं लेकिन उनका डेटा सेट सेम है, तो आप जक्स यूज कर सकते हैं। अब देखें हमने जक्स में क्या किया है, मिन और मैक्स के दो फंक्शन को दिया है कि उसने भाई इन दोनों को कंबाइन करके एक फंक्शन बना दो गेट रेंज का। उसको हमने एक पैरामीटर्स रिटर्न किए, तो उसने मिन ने इसमें से -3 को निकाला कि भाई इसमें जो मिन है ना वो -3 है, और मैक्स ने इसमें से 9 को निकाला और कहा कि भाई इसमें जो मैक्स है ना वो 9 है। तो इस तरह से दो काम हमारे जो एक ही कॉल में हो गए। तो फर्ज करें कभी 3 या 4 आपने फंक्शन एक ही डेटा सेट पर परफॉर्म करना है, तो हम उसकी जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो उसको कॉल करके सारा डेटा एक साथ रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गई है चीज़ें, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ है तो आप शुरू में ही पूछ लें। नेक्स्ट इमरान भाई, हमने जो अभी काउंट पीछे एक फंक्शन में जो हमने देखा था कि कितनी बार वो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, वो अभी तो हम सिर्फ चेक करने के लिए देख रहे हैं, वरना जो ये काउंट को एक्सेस किया हुआ है ये प्योर फंक्शंस को वायलेट कर रहा है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, ये साइड इफेक्ट है, ये एक्सटर्नल स्टेट को एक्सेस कर रहा है। हमने ये वेरीफाई करवाने के लिए कि वो फंक्शन जो एक ही दफा कॉल हुआ हमने काउंट दे दिया उसके अंदर, लेकिन वैसे ये नहीं करना अगर इसका यूज केस ना हो। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। कोई और सवाल? अब जो चीज है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो है थंक। तो अगर आपने रिडक्स यूज किया हो तो आपको पता है थंक क्या होता है। तो ये थंक जो है हर फंक्शनल लैंग्वेज के अंदर होता है, यहाँ भी ये थंक थंकीफाई है। थंकीफाई ये है कि एक फंक्शन का थंक बना देता है, और थंक ये है वो किसी भी कैलकुलेशन को डिले करता है जब तक कि उसका रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड ना हो। और थंक वो स्ट्रॉन्ग एक लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट है जो कि नॉर्मल लैंग्वेजेस में नहीं होता। वो ये है कि नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर पैरामीटर पासिंग और फंक्शन कॉलिंग एक साथ हो रही होती है। जैसे हम पैरामीटर पास करते हैं तो हम ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि भाई अब तो फंक्शन कॉल हुआ ही हुआ, तो हम पैरामीटर उसी वक्त पास करते हैं जिस वक्त फंक्शन को कॉल करना होता है। लेकिन फंक्शन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है। आप अगर किसी फंक्शन को थंकीफाई कर देंगे तो उसको पैरामीटर पास करने से कॉल नहीं होगा, आपने एडिशनल कॉल लगानी होगी तो फिर वो कॉल होगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपके सामने दे रखे हैं। आइडेंटिटी जो है, जो कि आइडेंटिटी बेसिकली करता ही है कि जो वैल्यू होती है उसी को रिटर्न कर देता है। आप जो इसको इनपुट देंगे वो इसको आउटपुट कर देगा। तो हमने आइडेंटिटी को 42 दे रहे हैं तो ये 42 रिटर्न कर देगा। लेकिन अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको थंकीफाई कर रहे हैं, और उसके बाद जब उसको 42 देंगे तो वो रिटर्न नहीं करेगा, उसके बाद फिर हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा दोबारा, फिर वो 42 रिटर्न करेगा। इस तरह से नीचे के एग्जाम्पल दे रखे हैं कि ए बी को प्लस करके हमें रिटर्न करना है, उस फंक्शन को हमने थंकीफाई कर दिया, उसको फिर हमने पैरामीटर पास किया 25 और 17। तो जैसे हम इसको पैरामीटर पास करेंगे तो सुलन उसको बता देना चाहिए भाई 42 है, लेकिन उस वक्त नहीं बताएगा वो। फिर हम एक दफ़ा और फंक्शन कॉल करना पड़ेगा तो फिर वो बताएगा 42 है। क्लियर? अब सवाल ये है कि इसको क्यों यूज़ करते हैं। अब ये बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड में हैं, हम जिस जो लैंग्वेज यूज़ करते रहे हैं उस लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप जो है पैरामीटर पास करते हैं कॉल बाद में कर लें। तो इसके एक एग्जांपल पे ने फिर मैंने जो डेमो उसमें ऐड किया ताकि ये चीज़ आप समझ सकें कि हम किस लिए लेजी लोडिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज़? चलें एक सवाल मैं पूछता हूँ, आप बताएं आप में से कितनों को जो ना ये बोरिंग लगा है? रैमडा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा जवाब दे दे भाई, कोई सही बताएगा तो इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा तो मतलब बोरिंग तो नहीं था? बोरिंग नहीं है। आप देखें अभी अभी जो हमने सब चीजें देखी है ना, अब हम आते हैं डेमो की तरफ। वो डेमो से पता चलेगा कि हमने क्या चीज सीखी है।
आप में से किसने इससे पहले जो फंक्शन प्रोग्रामिंग का कोड देखा है? कोई है जिसने फंक्शन प्रोग्रामिंग का कोड देखा हो या फंक्शन प्रोग्रामिंग में काम किया हो? कोड देखा है और पिछली बार आपके सेशन में ही नहीं एग्जैक्टली दिखाया था लास्ट सेशन में जी। मैंने कुछ अर्से पहले तकरीबन 4-5 साल पहले फंक्शन प्रोग्रामिंग है अरलैंग पे काम किया था और मैं मतलब ये समझना इट्स अ ब्यूटी फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है ना वो ब्यूटीफुल कोड होता है और उस पर मेरा बहुत दिल था कि यार इसी पे काम करना चाहिए लेकिन क्या करें इंडस्ट्री में है नहीं फंक्शनल प्रोग्रामिंग। अब हम आते हैं डेमो की तरफ, अब देखते हैं कि ब्यूटी क्या होती है कोड की। नजर आ रही है स्क्रीन आपको? यस जी। अच्छा अब हुआ ये था जब मैंने ये काम फंक्शन ये देखा रैमडा देख लिया फंक्शनल प्रोग्रामिंग देख ली तो अब मेरा भी जरूरत है फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये इसको स्टडी करने का। अब उसमें फिर मैंने सोचा पहला प्रोग्राम क्या होना चाहिए जो मैं इसमें बनाऊँ। तो मुझे याद आया कि 9th क्लास के बच्चों से ना टेबल ड्रॉ करवाते हैं भाई टेबल ड्रॉ करके दिखाएं। मैंने कहा यार ये सही है पहला जो ना रैमडा में ये काम करके देखते हैं। वो मैंने फिर यही काम किया कल बैठकर। इसको मैं दिखाता हूँ ये टेबल जो है वो 2 से लेकर 20 तक के ड्रॉ हो गए। ठीक है कैसे हुए ड्रॉ आप ये समझते हैं? इसको रिवर्स में चलते हैं ताकि चीज़ें समझने में आसानी हो। प्रिंट टेबल्स, प्रिंट टेबल्स के अंदर मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए उसमें एक बुलियन डाल दिया था। वो बुलियन ये करता है कि भाई सिर्फ इवन प्रिंट करना है या सारे प्रिंट करना है, 1 से 2 से 20 तक प्रिंट करना है या सिर्फ इवन प्रिंट करना है। तो इसमें अगर आप इसको ट्रू कर देंगे तो फिर ये सिर्फ इवन जो नंबर है उनके टेबल प्रिंट करेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो ये मैंने इसलिए किया था ताकि कंडीशन की चीज़ें थोड़ी सामने आ जाएँ, कंडीशन कैसे अप्लाई करेंगे इसमें। अब पहला जो हमारा फंक्शन है ना वो है प्रिंट टेबल। प्रिंट टेबल को मैं इनपुट देता हूँ एक पैरामीटर दे रहा हूँ बूलियन का और ये एक फंक्शन है जो कि मैप करता है प्रिंट टेबल विथ लाइन को सेलेक्ट टेबल्स ओनली इवन के जरिए। अब ये वाला जो पार्ट है ना वो ये सिर्फ एक स्पेसिफिक काम कर रहा है। इसको हम यहाँ से देखते हैं 2 to 20। 2 to 20 क्या कर रहा है? आपको 2 से लेकर 20 तक की एक लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। इज इवन क्या कर रहा है? ये आपको चेक करके बता रहा है कि भाई जो इनपुट है ये इवन है या नहीं है। तो ये एक प्रेडिकेट है। फिर इवन 2 to 20। अब ये 2 to 20 था इसमें से मैंने निकाला कि भाई इवन 2 to 20 लेकर आ जाओ। तो उसमें क्या सिंपल ये कि फिल्टर लगा दिया मैंने कि भाई आठ फिल्टर यूज़ कर लो इज इवन का और 2 to 20 पे पास कर दो उस फिल्टर को। तो अब उस तुरंत ये 2 to 20 में से जब वो फिल्टर पास होगा तो उसमें जो सिर्फ इवन वाले नंबर होंगे वो आ जाएंगे, बाकी एक्सक्लूड हो जाएंगे। उस फिल्टर को लेके मैंने थंकीफाई कर दिया। उसको मैंने थंकीफाई इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ कंडीशनल थी कि हो सकता है मुझे ज़रूरत ना पड़े इवन 2 to 20 की। अगर फॉल्स आ रहा है वहाँ से सारे टेबल प्रिंट करवाने हैं तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिल्टर जो है ना वो बिलावज हो जाएगा फिल्टर। ये मैं अभी फिल्टर नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं अभी चाह रहा हूँ कि फंक्शन बना के सेव कर लूँ और फिर जब कंडीशन आएगी जिसमें कि मुझे टेबल सेलेक्ट करने हैं तो मैं सेलेक्ट टेबल करते वक्त ये चेक करूँगा कि भाई कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर मैं इवन 2 to 20 फंक्शन को कॉल कर दूंगा जो मुझे यहाँ से रिटर्न हुआ था। जब मैं इसको कॉल करूंगा तो ये रिटर्न कर देगा मुझे इवन 2 to 20 टेबल्स यानी 2, 4, 6, 8 जो यहाँ सेलेक्ट टेबल्स में आ जाएंगे। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है फॉल्स है तो वो मुझे ओरिजिनल जो 2 to 20 का लिस्ट थी वो मिल जाएगी। तो सेलेक्ट टेबल जो है वो मैंने यहाँ पर फिर उस पैरामीटर को जो यहाँ से आया था उसको मैंने सेलेक्ट टेबल में पास कर दिया। इसमें कोई चीज़ जो समझ में ना आई हो जो डिस्कस करनी हो इस वाले पार्ट के अंदर? सब चीज़ें क्लियर हैं जी? अच्छा अब इसमें देखें इसमें जो थंकीफाई करने का ये फायदा हुआ ना बस कि हमने वो अलग से डेटा स्ट्रक्चर नहीं रख डेटा की कॉल बच गई और अलग से। अब देखें ये फिल्टर का मसला ये है ना कि फिल्टर डिपेंड करता है आपके लिस्ट कितनी बड़ी है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना उसको फिल्टर फिल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। और वो रेफरेंस एक ही रहा, डेटा एक ही रहा, वो डुप्लीकेट नहीं हुआ। सही। हमने इसलिए इसको यहाँ पर थंकीफाई कर लिया ताकि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो उसको कॉल किया जाएगा, कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर इसको कॉल नहीं किया जाएगा, हमें ओरिजिनल जो डेटा सेट था वो मिल जाएगा। अच्छा इसमें जो लिंक है ना जो बाकी जो चीज से लिंक करता है वो ये वाला फंक्शन है प्रिंट टेबल विथ लाइन। तो प्रिंट टेबल विथ लाइन जो है वो बेसिकली इसको एक सिंगल टेबल जो है ना उसको प्रिंट करता है।
अब फर्ज करें कौन सा सिंगल टेबल प्रिंट करेगा, ये हमने मैप के जरिए ये जो यहाँ से इनपुट आ रहा है उसको यहाँ पर मैप करवाते हैं, तो ये जितनी सेलेक्ट टेबल्स होंगे एलिमेंट होंगे उसके लिए वो इस वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। तो हम आते हैं प्रिंट टेबल विद लाइन में, ये फंक्शन है प्रिंट टेबल विद लाइन। प्रिंट टेबल विद लाइन का एक टी को हम पैरामीटर दे रहे हैं, यानी को टेबल 2, 3, 4, 5 से कुछ भी हो सकता है, वो हमने उसको दिया और उससे कहा उसने उसने जो बेसिकली पाइप किया दो चीज़ों को, प्रिंट टेबल और प्रिंट लाइन। ये अगर यहाँ देखेंगे तो हर टेबल के बाद एक लाइन प्रिंट होती है, तो ये भी मैंने इसलिए रखी थी ताकि थोड़ा सा चीज़ें एक्सप्लोर हो सकें। अब ये प्रिंट टेबल प्रिंट लाइन, प्रिंट टेबल प्रिंट लाइन, ये एक यूनिट के तौर पे काम कर रहा है ये फंक्शन, कि भाई जब भी कोई टेबल प्रिंट होगा तो उसके साथ साथ आपने लाइन भी प्रिंट करनी है, तो फंक्शन में आते गया प्रिंट टेबल विथ लाइन, तो प्रिंट टेबल करता है प्रिंट लाइन भी करता है। अब आते हैं प्रिंट लाइन पर, तो हमें दो फंक्शन एक्सप्लोर करने, एक प्रिंट लाइन और एक प्रिंट टेबल। हम प्रिंट लाइन पर आ रहे हैं, तो प्रिंट लाइन सिंपल क्या करता है कि वो पाइप कर रहा है अगेन जनरेट डैश लाइन को और कंसोल डॉट लॉग को। अब ये ना थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। अब इसमें हम देखें तो उसूलन होता ही है कि कंसोल डॉट लॉग के बाद हमने जितने भी काम किया ना जावास्क्रिप्ट में, हम कंसोल डॉट लॉग के बाद आगे लिखते हैं, फंक्शन प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं करते। फंक्शन प्रोग्रामिंग के अंदर डेटा जनरेशन सेपरेट होती है और डेटा कंजम्पशन सेपरेट होती है। तो कंसोल डॉट लॉग भी ना बेसिकली डेटा कंज्यूम कर रहा है। जब वो डेटा कंज्यूम कर रहा है तो हमने कहा भाई पहले जनरेट डैश लाइन करवा लो, उसके लिए एक फंक्शन लिख दिया। तो ये जनरेट डैश लाइन जो है वो एन टाइम इस करेक्टर को रिपीट कर रहा है, यानी जो डैश है वो बेसिकली एन टाइम रिपीट होगा यहाँ पे, क्योंकि टेन दिया गया है और टेन जो है वो हमने दिया है इस फंक्शन को आर डॉट पाइप से जो आ रहा है हमारे पास। तो ये टेन जो है इसके पास जाएगा जनरेट डैश लाइन के पास, और जनरेट डैश लाइन जो है वो 10 दफ़ा इसको प्लस करके आपको दे देगा, और जब वो 10 दफ़ा प्लस करके आपको देगा तो वो पास हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग को। कंसोल डॉट लॉग को जैसे ही पास होगा वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये क्लियर है, इसमें कोई चीज। अब रह गया हमारे पास प्रिंट टेबल, कि भाई चले हमने लाइन ड्रॉ कर दी, टेबल भी तो ड्रॉ करवाना, वो कैसे ड्रॉ करेंगे? तो फिर उसके लिए हमने फंक्शन बनाया प्रिंट टेबल का, जो कि टी हम उसको दे रहे हैं, वो टी जो है वो यहाँ से पास हो रहा है। पहले प्रिंट टेबल में आता है, प्रिंट टेबल जो है उस टी मतलब 2, 3, 4, 5 जो हमें टेबल प्रिंट करना है वो मैप करता है 1 to 10 पर। अब ये 1 to 10 क्या है, जो हम टेबल के अंदर होते हैं 1 से लेकर 10 तक हमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो हम रेंज के जरिए एक लिस्ट बना ली 1 to 10 की और कहा कि भाई 1 to 10 की ये को मैप कर दो करीट प्रिंट टू प्रिंट टेबल लाइन से। करीट प्रिंट टेबल लाइन में हमने बेसिकली एक फंक्शन कॉल की है, और ये बहुत अहम फंक्शन कॉल है, क्योंकि इससे पहले हम जो मैप कर रहे हैं उस मैप के अंदर हम जो है ना सिर्फ फंक्शन के पैरामीटर दे रहे हैं, उसको कॉल नहीं कर रहे। यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया जा रहा है, उससे हो क्या रहा है, अब हम आते हैं शुरू से चलते हैं जी। जनरेट टेक्स्ट है, इसको हम दो पैरामीटर देते हैं ए और बी, और ये हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देता है जो कि हमने स्ट्रिंग लिटरल के जरिए बनाया है, जिसमें ए मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू ए और बी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब पहली लाइन में जो टेक्स्ट आ रहा होता है या किसी भी लाइन में जो टेक्स्ट आ रहा होता है ये उसको जनरेट कर देता है। उसकी मदद से हमने बनाया प्रिंट टेबल लाइन। प्रिंट टेबल लाइन से कहा भाई जनरेट टेक्स्ट है और ये कंसोल डॉट लॉग है, ये पैरामीटर है आपके ए बी, तो बराए मेहरबानी लाइन प्रिंट करवा दें। अब ये होगा ये ए बी पास होगा जनरेट टेक्स्ट को, जनरेट टेक्स्ट जो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, वो स्ट्रिंग जो है वो कंसोल डॉट लॉग के पास आएगा, कंसोल डॉट लॉग जो है उस लाइन को प्रिंट कर देगा बिल्कुल जिस तरह से वो यहाँ पर एक डैश लाइन को प्रिंट कर रहा था। तो ये वाला ईडीएम वही है जो कि ये ईडीएम है। अब आते हैं जनरेट टेबल लाइन, बेसिकली दो चीज़ों को दो लेता है ए और बी, ए जो है टेबल और बी जो है वो 1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है, बीच में वो चेंज होता रहता है, क्योंकि टेबल जो है वो एक हमें पता है कॉन्स्टेंट है वो फिक्स रहेगा। तो हमने क्या किया, प्रिंट टेबल लाइन का करी वर्जन ले लिया और कहा भाई करीट प्रिंट टेबल लाइन ले लो, क्योंकि जब हम मैप करवाने जाएंगे ना तो हम उसको एक दफ़ा कॉल कर देंगे टेबल के नंबर से, तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो यहाँ पर कॉल हो गया और वो सेव हो गया इसके अंदर, और बाकी जो एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक वो यहाँ लिस्ट के जरिए प्रोवाइड कर दिए गए। तो इस तरह से ये 2 से लेकर 20 तक के टेबल प्रिंट हो गए। क्लियर, इसमें कोई चीज जो डिस्कस करनी हो? क्लियर है, बट इसमें चेनिंग ज्यादा नहीं है बहुत जी?
चेनिंग इसमें बहुत ज्यादा है, लाइक इतनी मरतबा ही आपस में चेन होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। ये तो सही है, क्लियर तो है। अब देखें जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में सबसे मेजर जो यूज केस है ना वो डेटा पाइपलाइन है। और डेटा पाइपलाइन में होता ही है कि हम छोटे छोटे पीसेस को कंबाइन करते हैं, और क्योंकि हमें पाइपलाइन चेंज करने में आसानी होती है, अगर हम फर्स्ट करें रिक्वायरमेंट आती है कि इसकी जगह ये कर दें, ऐसा नहीं है वैसा कर दें, तो हमें पता है हमें एक दो एस्पेक्ट वहाँ पर हम चेंज करेंगे, बाकी पूरी पाइपलाइन हमारी सही काम कर रही होगी। और फिर वो पाइपलाइन के जो यूनिट्स हैं ना वो टेस्टेबल भी होंगे। अब इसमें देखें हमें यूनिट टेस्टिंग कितनी कम हो जाएगी, हमें जो नेट टेस्ट की यूनिट टेस्ट करेंगे, हम डैश लाइन की यूनिट टेस्ट करेंगे, तीन चार यूनिट टेस्ट लिखेंगे और हमारा ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। एक एस्पेक्ट ये है कि इसको हम मजीद सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, मैंने ये इसलिए रखा था इसको थोड़ा सा डिटेल में ताकि समझने में आसानी हो, वरना ये दो तीन लाइनों में भी काम हो सकता है। मैं एक अब देखें ना हो क्या रहा है, पाइप करी फंक्शन यूज़ हो रहा है ना, तो अगर मैं चाहूँ तो इसको एक लाइन में दो लाइन में ये सारे काम हो जाएँ, लेकिन मसला ये है कि वो पाइप इतना बड़ा हो जाएगा कि वो समझना मुश्किल हो जाएगा। सही। बताएं कैसा लगा आपको ये कोड? अब इसमें कंडीशन भी आएगी तो कंडीशन भी फंक्शन के जरिए जारी होगी, आप बेसिकली दो फंक्शन होंगे उसकी बेस पर डिसाइड कर रहे होंगे, इसमें हर चीज जो है फंक्शन के जरिए होगी, तो वो चीजें जो है ना बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाती है। सिर्फ एक क्वेश्चन है मेरा, ये थोड़ा आपके जब इसको आप प्रोग्राम करने लगे तो आपने स्टार्ट कैसे किया, क्योंकि अभी जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो आपने लास्ट से ऊपर गए हैं, ठीक है, तो जब आप प्रोग्राम करने बैठे थे तो आपको क्या है कि यार पहले मैंने क्या लिखना है, बिकॉज ये थोड़ा सा वाकई कह सकते हैं बहुत आपस में ना मिला हुआ है कि पहले मैं क्या सोचूं या किस सीक्वेंस से स्टार्ट करूं, तो आपने क्या अप्रोच यूज की? आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि यार मैं इस सीक्वेंस को लेके चलता हूँ, बिकॉज़ मैं शायद देखें, तो मैं बताऊँ मैंने उसको किस तरह किया, मैंने अपना नोटपैड उठाया, अपना पेन उठाया और उस पर जो है ना टेबल ड्रॉ करना शुरू किया। मैंने पहले एक एक लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने एक टेबल, फिर मुझे याद समझ में आया कि भाई देखें हमें बेसिकली 20 टेबल रेंडर नहीं करवाना है, हमें एक टेबल रेंडर करवाना है। तो मुझे याद आया जो जो प्रॉब्लम होती है उसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, उसको नैरो डाउन करते हैं, 20 टेबल रेंडर नहीं हो रहे, प्रिंट टेबल देखेंगे ना एक टेबल रेंडर कर रहा है, प्रिंट टेबल विद लाइन, ठीक है। अच्छा लाइन मैंने बाद में ऐड की, मैंने कहा भाई पहले प्रिंट टेबल करना है, जब प्रिंट टेबल हुआ तो फिर मैंने सोचा यार ये दो टेबल मिले मिले से आ रहे हैं इसमें लाइन होना चाहिए, तो फिर मैंने उसमें लाइन ऐड कर दी। अच्छा प्रिंट टेबल जब मैंने किया तो उसमें थोड़ा सा मसला हुआ था, क्योंकि ये जो ए बी सी इस तरह से फर्स्ट लाइन आ रही ना ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगा था, लेकिन बाकी चीज़ें जो है स्मूथली हो गई। तो उसकी वजह ये अगर आप देखेंगे तो इसमें जो यूनिट ऑफ वर्क है, यानी जो वर्क है और जो फंक्शन है वो वन टू वन मैप कर रहे हैं, यानी आप टेबल लिखते हैं तो आप पहले एक लाइन लिखते हैं, उस लाइन को मिला के आप टेबल बनाते हैं। अब लाइन से टेबल बनता है डेटा के जरिए, एक होती है लॉजिक, तो सिंगल लाइन की लॉजिक सबसे ऊपर है भाई, ये लॉजिक है लाइन ड्रॉ करने की, दैट्स इट। बाकी क्या है, बाकी डेटा है और क्या है, पाइप्स हैं। तो डेटा पाइप्स को मिलाया और करी को यूज़ किया ताकि डुप्लीकेशन ना हो, करी यूज़ करते हैं कि डुप्लीकेशन ना हो, हमें बार बार पैरामीटर पास ना करना पड़े, तो उसके जरिए फिर ये तीन चार चीज़ें करके ये मैंने इस तरह से किया। तो ये एक प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करने का तरीका होता है जो आपने यूज़ करना होता है। और हमेशा याद रखें जो वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड होता है जो डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो डिज़ाइन के अंदर एक चीज़ होती है जो हमें जिसका ख्याल रखना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन बहुत अहम चीज़ है, हमको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पहले हम उसको एब्स्ट्रैक्शन उसकी बनाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम इसको फिर यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आपने कोई वो करनी है अनाउंसमेंट? क्विज रेडी है, क्विज से रिलेटेड है, मतलब फीडबैक फॉर्म, वो या तो इधर दे दें या मैं ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। इधर आप चैट पे देते हैं, मैं चैट से। और किसी का कोई क्वेश्चन या चलें, ठीक है इसको कंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब फीडबैक फॉर्म भर देगा आपको एक।